अच्छा ये हमारे पिता है, पिताजी कह रहे कि बेटा मांगो खाचा ने, अब बाप के सामने हम कैसे कहता है कि ब्याह कराओ ने, भाई बाप के सामने कैसे कहता है। पहले इतनी मर्यादा होती थी, पहले इतनी मर्यादा होती, इतनी मर्यादा होती क्या बताए। हाँ, कार्तिकेय जी से एक बार मैया पार्वती जी ने बोल दिया, कार्तिकेय जी ने मैया पार्वती जी को बताया कि माँ मैंने एक लड़की आप पसंद की है शादी के लिए, आप जाकर के देख करके आओ। पार्वती जी देख करके आई, अच्छा लौटी थी थोड़ी रुक कर, तो पार्वती जी को लगा कि शंकर जी के लिए नहीं मालूम बेलपत्री मिली कि नहीं, जल मिला कि नहीं, सो उनको लगा कि हम जल्दी से जाएं और शंकर जी से मिल लें। पीछे पड़ गए कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी कहने लगे बताओ ना माँ, माँ बताओ वो लड़कियां कैसी लगी। पार्वती जी कह लगी बेटा बहुत अच्छी है, ब्याह कर ले। कार्तिकेय जी कहते हैं ऐसे नहीं, हमें तो सही बताओ वह लड़कियां कैसी लगी। पार्वती जी ने कहा बहुत अच्छी है, जाओ कर ले ब्याह। कार्तिकेय जी माने नहीं, बोले नहीं माँ बताओ ना थोड़े अच्छे से बताओ। पार्वती जी ने सोची जे हमें बहुत ज्यादा चाहता है, सो पार्वती जी कह लगी बेटा बिल्कुल हम घाई मोड़ी लगत है, जाओ ब्याह कर ले। कार्तिकेय जी कह लगे माँ कैसी लगती, बोले बिल्कुल हम जैसी। कार्तिकेय जी कहने लगे माँ विचार करके बोलना, आप जैसी लगती है। पार्वती जी बोली बिल्कुल हम जैसी लगती है। कार्तिकेय जी कहने लगे जो बिटिया आप जैसी लगती हो वो तो माँ जैसी हो गई, वो पत्नी कभी नहीं बन सकती। कार्तिकेय जी ने जाकर के उस बिटिया को मना कर दिया, बोले जाओ तुमसे हम विवाह नहीं करेंगे। उस बिटिया ने भी संकल्प ले लिया कि विवाह करना था तो तुम्ही से, अब तो हम जीवन पर्यंत कुंवारे रहेंगे। और आज भी वो बिटिया समुद्र के किनारे कुंवारी बैठी है, जिसके लिए हम और आप कन्या कुमारी के नाम से जानते हैं, कन्या कुमारी के नाम से। जो लोग कन्याकुमारी गए होंगे उनको पता होगा, और नहीं जाओ तो कभी जाकर के दर्शन करना। समुद्र के किनारों में जहां पर भी जाओगे वहां पर समुद्र शिथिल बहता मिलेगा, लेकिन कन्याकुमारी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर समुद्र चिक्कारे मारता है, दहाड़ता है, चिल्लाता है। कारण क्योंकि वहां पर कन्याकुमारी क्रोध में जाकर के बैठी कि मुझसे विवाह नहीं किया कार्तिकेय जी। इतनी मर्यादा, इतनी मर्यादा कि माँ ने बोल दिया कि मुझे जैसी है तो उन्होंने विवाह नहीं किया। विचार करना कितनी मर्यादा होती थी, पहले इतनी मर्यादा होती कि बाप के सामने बाल बच्चे बोलत नहीं थे, अगर ब्याह की बात होने लगे तो बाल बच्चे भीतर भाग जाते। और आजकल आजकल तो इंची टेप लेकर ठाणे हो यार, हम 5 फुट के हैं, 4.5 की ने चल है। हाँ सो में घाटों का हो, घाटो जो हो के शुरू शुरू में तो ठीक है, साल आई 2 साल बाद कागज लाए ठाणे खैया बनाई बार रही दस का कागज ही राम धनी तो। हाँ पहले मर्यादा इतनी होती थी का बताएं, लेकिन इस कलयुग में हम लोग ये छोड़ते जा रहे धीरे धीरे, फैशन के चक्कर में हम लोग सोचते हम तरक्की क्या कर रहे हैं, का खाक तरक्की कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आपनों में से ऐसे कैया बैठे हुए हैं जो ने अपने बड़े भैया के सामने, पिताजी के सामने कब्बों अपनों लड़का नहीं खिलाओ। अगर बड़े भैया आ गए, पिताजी आ गए तो वो लड़का चिल्लियात रे में, लेकिन छियात नहीं थे, छियात का। लेकिन आजकल आजकल का माचू, आजकल तो दरवाजे के बाहर बैठे बैठे बब्बा बूढ़ी ढूंढ रहे हैं कि हे भगवान तनक नाती हमें खिलावे मिल जातो, धन्य रे कलयुग। ई कलयुग ने बब्बा बूढ़ी नाना नानी से होके नाती नाता छुड़ा लाए। हाँ बब्बा ढूंगा थे देखा थे तना नाती खिलावे मिल जातो, अब मिले कबे, जब भैया हरे छोड़े जब बब्बा को मिले। आजकल तो भैया ही हरे लाए फिर रहा है, कोमड़ा सो टांगो अगाम भरे में फिर रहा है, अपनो अइया लाओ अपनो अइया, ए मुरे लाल रे बेटा प्यारे पप्पू भाई रे अपने ना नहीं। अरे राम राम अपने ना तो सब बढ़िया, डकार सी आओ के आ बीच बीच में का कर रहे हैं। अच्छा लाओ अब पूरे गांव में बताओ फिर है कक्का अपनो अइया। अरे भैया और सबके ना सोई भाई है कह के नहीं अपने ही ना होगा। अच्छा ये हानि भाई के फायदा भाव, हम मना नहीं कर रहे, खिलाओ खूब भगवान ने दाए है, लेकिन इतने नहीं कि नाना नानी और दादा दादी को छीवे न मिल पाए और अपन 24 घंटा लाए फैलाए। भाई अधिकार पहले बब्बा बूढ़ी को होते है,
भाई भगवान ने दिए हैं, खूब कृपा है, खूब खिलाओ, खिलावे ना ही नहीं, लेकिन इतना नहीं कि बप्पा तरस जाए नाती को खिलावे और तुम गांव भर में लाए फिर। अच्छा इसे घाटो भाव का फायदा, पहले बब्बा बूढ़ी के ना नाती नता खेलाते, सुबह मताई से तनक डराते, डराते के नहीं, पिताजी के सामने ठाड़े होवे की हिम्मत नहीं पराती, काहे बब्बा के लगा रहे बाप से तो कभी बतिया ही नहीं पाए नजर मिला के सुडन लगा तो। और आजकल शुरू ही से लव और इतने चढ़ा लो, सो जैसे ही अपन ने शुरू से चढ़ा हुए थे और उन्हें मिलो टेम सो नहीं एक धारी ये या बैठ गए इतने फिर गेत पर कहीं महाराज गड़ा बना दे कहीं कहे हम लड़का सुना तो नहीं है राम धनी तो अब कैसे सुने कहाँ तक सुने मर्यादा अपन ने शुरू में टोल लाई। भाई पहले ही इतनी मर्यादा होती थी, ये कहने लगे अब ये है पिताजी, अब पिताजी के सामने हम कैसे केमे कि तुम हमारा विवाह करवा दो, ये कहने लगे सरकार अब हम तो ऐसे खड़े बोले नहीं नहीं शादी करवानी है, बेखेन लगे शादी नहीं करवाऊंगा बस आपके दर्शन करने थे, बोले नहीं नहीं विवाह की इच्छा है, सो करदम ने ऋषि ने सिर हिला दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे मन मन भावे मुंडे हिलावे कोई दिक्कत नहीं, सोच ले सा होने लग गया राम धनी तो थोड़ा बहुत आएगा। अब काल जन्म है तो जन्म के पहले व्यवस्थाएं बनने लगी,